बोल दादा। ओके हाय हाय बोल दो। हाय आपका फोटो आ जा रहा है इंटरनेट पे, आप हाय कर दिए। हेलो हेलो बोल दिए। हाय बोलो। हेलो बोल दिए। हेलो ये दादा हमारे बहुत सुंदर डाब पिलाए हैं, बहुत सुंदर। आप इधर जब भी आओगे डाब जरूर पी के जाना। और ये डाब पीना चाहिए, इससे पेट साफ रहता है। ठीक है, ओके, काफी अच्छा है, नेचुरल पूरा। कर 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 लड़का दोस्तों, आज हम लोग जाएंगे मायापुर, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है हमारे बंगाल, वेस्ट बंगाल की। सो हम लोग ये टोटली एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे इसकी क्या मतलब खास बात है एंड क्यों ये मतलब इतना फेमस है। एंड ये हमारा फ्रेंड सैम समर अग्रवाल। हाय दोस्तों, और आप जैसे देख सकते हो अभी मॉर्निंग के 6 बजे हम लोग 6 बजे जा रहे हैं। मॉर्निंग में ठंड में इसने मुझे ये हमारे प्रेम भाई जो कि कार ड्राइव। तो गाइस हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ से टोटो, ये देखिए हम लोग फ्रेंड। हेलो। टोटो करने के बाद टोटो का फेयर यहाँ से आपको 25 रुपए लगेगा, जो घाट तक आपका पहुंचा देगा। ये देखिए ड्राइवर दादा है, 25 रुपीज फ्रॉम हेयर आपको देना है। ड्राइवर हमारा चेंज हो चुका है, ये देखिए। हेलो हेलो हेलो, दिस इज आवर न्यू ड्राइवर। बाइक तो बहुत अच्छा चला रहा है। ओके, सो गाइस हम लोग अभी यहाँ पे उतरे। ये देखो डाब, हम लोग थोड़ा सोचे डाब पीते हैं। डाब पीने के बाद फिर से हम लोग आगे चलते हैं, आपको दिखा रहे हैं। ये हमारी टोटो हो गई, ठीक है। एंड मंदिर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, दिख रही है मंदिर यहाँ से। भैया कितना किलोमीटर दूर है मंदिर ज्यादा? भैया हाय बोल दो। भैया ओके ओके, हाय बोल दो। आपका फोटो आ जा रहा है इंटरनेट पे, आप हाय कर दिए। हेलो हेलो बोल दिए। हाय बोल, हेलो बोल दिए। हेलो ये दादा हमारे बहुत सुंदर डाब पिलाए हैं, बहुत सुंदर। आप इधर जब भी आओगे डाब जरूर पी के जाना, बहुत अच्छा। और ये डाब पीना चाहिए, इससे पेट साफ रहता है। ठीक है, ओके, काफी अच्छा है, नेचुरल पूरा ड्रिंक। ओके गाइस, तो मिलते हैं, सी यू। Oh, 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 oh
बताइए वो क्या है? गंगा, हाँ, जमुना, हाँ, सरस्वती। अच्छा। सरस्वती किधर है? सरस्वती लास्ट, वो लास्ट। अच्छा, यहाँ पे सुने कि पानी दो कलर का है। ए, तो दो कलर का तो देखा जाता है, इधर सादा है, इधर काला है, उधर गाइस आप एक चीज नोटिस करिए, इधर का जो पानी है व्हाइट है एंड इधर का जो पानी है वो ब्लैक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ का आप जरूर आओ। साथ में टेस्ट है क्या? नहीं, वो अलग अलग है। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अभी मायापुर में और सडनली आते आते हम देखे यहाँ पे एक आग लग गया है। आप देख सकते हैं कितना भयानक किस्म का ये आग है। गाइस फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं, ठीक है। यहाँ से 5 मिनट लगा था, पैदल आपको आना है, ठीक है। एंड ये रहा मंदिर। ओके, थोड़ा एरिया कंजेस्टेड है बट ठीक है, बहुत अच्छा जगह। ये एरिया जस्ट कंजेस्टेड है, बहुत अच्छी प्लेस है। अभी हम लोग अंदर जाते हैं एंड आपको टोटल चीज बताते हैं, क्या व्यू दिखाते हैं, कैसा व्यूज क्या है। सो फाइनली गाइज हम लोग अंदर आ चुके हैं, ठीक है। ये है पूरा मेन जो स्पॉट होता है मंदिर के अंदर का, जो मेन स्पॉट होता है ये है, ठीक है। एंड ये जो बैक में आप देख पा रहे हो, ये दोस्तों जो पीछे मेरी जो लाइन है दोस्तों, वो है जो प्रसाद मिलता है, प्रसाद का लाइन है, ठीक है। और अभी हमें कूपन खरीदना पड़ेगा, इस लाइन में शामिल होना पड़ेगा, तब हमें भोग मिलेगा। हाँ, भोग मतलब यहाँ का जो मेन प्रसाद बोला जाता है वो इस लाइन के थ्रू हम लोग उसको पा सकते हैं। तो अभी हम लोग को लगेंगे उसको। हाँ, वो टिकट का 30 रुपया। भोग खाना है तो आप यहाँ से कूपन ले सकते हैं, इरा काउंटर, और ये एग्जैक्ट आपको मेन गेट के सामने मिल जाएगा। और यहाँ पर 30 रुपीज का प्राइस है, तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा मिलता है यहाँ। आप यहाँ पे आइटम भी देख सकते हैं, काफी अच्छा अच्छा आइटम है, लाइक खिचड़ी, राइस, सब्जी, दाल, मिक्स सब्जी, चटनी। 30 रुपया में। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं, हम लोग लाइन में खड़े हुए हैं और हमने कूपन ले लिया है, और बस अभी हम अंदर जाएंगे भोग खाने। आपको बता दे टेस्ट कैसा है, अंदर का क्या माहौल है, सब दिखाते हैं आप लोग। तो दोस्तों ये हम लोग अंदर आए, देखो ये फूड का काउंटर है एंड ये सब खाना खा रहा है यहाँ पे। Oh, 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 oh
सो फ्रेंड्स, हम लोग अंदर है एंड ये महाप्रसाद का एक काउंटर है। यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ का प्रसाद बहुत फेमस है, मायापुर का फेमस प्रसाद है ये। चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या आइटम्स हैं यहाँ पे प्रसाद के तौर पे। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसा कि ये बहुत फेमस है यहाँ पे प्रसाद का काउंटर है। आप यहाँ पे हो तो प्रसाद जरूर लो, ठीक है। एंड आपको करना कि ये लाइक से भी एक बार मिलिए ये प्रसाद भैया। किस तरह भैया आपका नाम क्या है? अच्छा, तो भैया ये जो आप कर रहे हैं ये क्यों, मतलब ये महाप्रसाद क्यों कहा जाता है इसको? एक्चुअली महाप्रसाद उससे ही होता है जो भगवान को पहले चढ़ाया जाते हैं, उसके बाद वो प्रसाद वैष्णव को चढ़ाया जाता है उसको। मतलब ये हम लेके भगवान को पहले चढ़ा देंगे, मतलब चढ़ाने के लिए चढ़ा हुआ है, यही चढ़ा हुआ है। हम लोग बढ़ते हैं गौशाला की ओर। ये देखो गौशाला एक बहुत ये प्लेस है, यहाँ पे गौशाला की ओर जाते हैं, ठीक है। तो क्या है अंदर क्या नहीं है हम लोग दिखाते हैं आप। थोड़ा टायर्ड है हम लोग खाने के बाद, बट अभी खा लिया। हाँ, गौशाला की ओर बढ़ते। साइज देखो दोस्तों, मतलब कितना बड़ा है वो एक्चुअली देखा जाता है। गाइस ये बहुत सही जगह है, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है न्यू, बट आज मेरे को मौका मिला है आने का और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ यहाँ के, बिकॉज यहाँ का जो एटमोसफियर है ना गाइस, बहुत पीसफुल है, बहुत पीसफुल है। लाउड एज यू कैन सी दैट, जो यहाँ का मतलब नेचर, मतलब क्या कहते हैं, जो हरियाली है ना और जो क्राउड है, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे तो, बहुत पीस मिल रहा है इधर आके। एंड द व्यू Awesome view. ये दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि कैमरे में उतना आपको समझ में नहीं आ रहा, बट आप जब यहाँ पे आके लाइव विजिट करोगे ना तो इसका कुछ मज़ा ही अलग है, इसका माहौल ही कुछ अलग है, तो आप ज़रूर आओ यार इधर। ये मतलब इतना सॉफ्ट है ये, अब क्या बताऊँ आपको, टेस्ट वेरी नाइस, वेरी नाइस। और इतने कम प्राइस में 20 रुपये। सो गाइस हम लोग अब ये गौशाला से निकल के मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। ये हमारे क्या नाम है भैया आपका? भैया बोलिए नाम बताइए। कर्नो दास है, बहुत बहुत अच्छा गाड़ी चला रहे हैं एंड ये हम लोग को मंदिर तक ड्रॉप कर देंगे। ओके, चलो नज़ारा भी आप लोग देखते रहो, बहुत अच्छा व्यू है दोस्तों। और विजिट जरूर करो यार, आप लोग विजिट जरूर करो इस प्लेस को। एंड पीछे सारे फ्रेंड्स लोग से हेलो गौशाला से निकलने के बाद हम लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर, फाइनली मंदिर। एंड ये बेस्ट प्लेस है एंड मैं आपको थोड़ा व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। ओके, देख लो आप, मैं बोल रहा हूँ आप मोबाइल में ठीक से एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे जब तक आप यहाँ विजिट नहीं करोगे। बहुत अच्छा प्लेस है दोस्तों। सो फाइनली गाइस हम लोग मंदिर के बाहर आ चुके हैं। मंदिर में गए थे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया अंदर, आपको क्या बताऊँ। अब जाना कभी, एंड बहुत ही पीसफुल वहाँ का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है। एंड अभी हम ये ब्लॉग को एंड कर रहे हैं दोस्तों, शाम हो चुकी है, कितना बज रहा है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, या जरूर प्लीज सपोर्ट अस गाइस। एंड अभी हम ये लाइव ब्लॉग को एंड करते हैं, आप लोग जरूर कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगे, ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है, सो प्लीज़ ज़रूर बताएं एंड फीडबैक अपना ज़रूर दें। Okay, so okay, friends. Time now to say goodbye. Tada. There is more to come. Don't forget to subscribe and click the bell icon. Thank you. Thanks a lot. So guys, finally हम लोग आज का vlog खत्म कर दिए and बहुत अच्छा लगा and अब लोग अभी exit की तरफ जा रहे हैं। And दोस्तों बता दूँ, रात का time जो मंदिर का जो ये सब है, मतलब views है, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे।
दिन के मुकाबले, तो हम लोग जाते हैं गाइज। एंड और कहीं का अगर व्लॉग आपको बनानी है वेस्ट बंगाल कोलकाता के अंदर, प्लीज़ आप कमेंट जरूर करो यार, कमेंट करके सब्सक्राइब करना ना भूलो, और प्लीज़ हमें सजेशन कीजिए कहाँ हम गलत बना रहे हैं, तो फिर उस चीज़ को हम सुधारेंगे और फिर और अच्छी तरीके से आपको ब्लॉग प्रेजेंट करेंगे जरूर। थैंक यू थैंक यू थैंक्स अ लॉट थैंक यू टाटा सी यू लव यू प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट।